is being presented by our students, led by Sushmita Sinha. Let's have a big hand for them. सत्यपाल की वजह से उन्हें शायरी का बहुत शौक था। हमारे फाउंडर चेयरमैन अपनी ही जिंदगी में अपनी पसंदीदा शेरों को एक किताब की शक्ल में भी पेश किया है। किताब का नाम है रिफ्लेक्शंस इन टाइम और यह किताब हमारी लाइब्रेरी में भी मौजूद है। आइए तो आगाज करते हैं आज की शायरी का। और सबसे पहले मैं जिस शायर को दावत देने जा रही हूँ वो तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। उर्दू शायरी उनकी रगों में खून बनकर गर्दिश करती है। तो आइए तालियों की गूंजों के साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरे दोस्त मेहरबान और बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र महादेवन अय्यर का। मैं कुछ शेर अर्ज करना चाहूँगा, इजाज़त है वीसी साहब। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दूसरा शेर अर्ज करना चाहूंगा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। एक शेर और पेश आपकी खिदमत में। तुंद ये बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, तुंद ये बादे मुखालिफ, इससे मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन से आती तेज हवा, और उकाब कहते हैं फाल्कन को। तुंदिये बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुकर्रर अर्ज है। तुंदिये बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब जो मैं आखिरी शेर अर्ज करने जा रहा हूँ, ये शायर कहता है, बाघे बहिश्त से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों। बाघे बहिश्त से यहाँ मतलब है गार्डन ऑफ पैराडाइज का। खुदा ने कहा इंसान से, एडम से, कि इस बाग से, इस गार्डन ऑफ पैराडाइज से चले जाओ। कुछ समय बाद खुदा ने कहा तुम्हारा समय समाप्त हो गया, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया, वापस आओ। तो अब शायर की हिम्मत देखिए, वो कहता है बाघे बहिश्त से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब तू मेरा इंतजार कर। आदाब आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया महादेवन, क्या शेर सुनाया आपने और मुशायरा लूट लिया। यस बब्बर शेर। अब तशरीफ ला रहे हैं मेरे एक ऐसे साथी जिन्होंने इसी साल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है और अभी से हमारे महफिलों की जान बन बैठे हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी, मैं दावत दे रही हूँ मेरे बहुत ही अजीज दोस्त राहुल सिंह को। अर्ज किया है मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, शिकवा जो किया करते हैं वो पहुंचा नहीं करते। शुक्रिया। अगला शेर अर्ज करना चाहूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
शुक्रिया राहुल। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। मेरी मुराद है इस यूनिवर्सिटी की बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट और मेरी अजीज दोस्त निधि वर्मा से। मेहरबानी फरमाकर निधि, आप यहाँ तशरीफ लाइए और हमें अपने कलाम से नवाजिए। एक शेर आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। शुक्रिया। अर्ज किया है, जब इश्क में अपनी हस्ती का एहसास मिटाया जाता है, जब इश्क में अपनी हस्ती का एहसास मिटाया जाता है, फिर जिसकी तमन्ना होती है हर शय में पाया जाता है। जब इश्क में अपनी हस्ती का एहसास मिटाया जाता है, फिर जिसकी तमन्ना होती है हर शय में पाया जाता है। शुक्रिया। ए राहे मोहब्बत के रहरो, ए राहे मोहब्बत के रहरो, अफसोस न कर नाकामी का, मंजिल भी मिल ही जाती है जब खुद को मिटाया जाता है। एक और शेर पेश है। पसे मुर्दन, गौर कीजिएगा, पसे मुर्दन यानी आफ्टर डेथ। पसे मुर्दन जमाना ढूंढता है मरने वालों को, पसे मुर्दन। शुक्रिया। पसे मुर्दन जमाना ढूंढता है मरने वालों को, हमारे बाद दुनिया को हमारी जस्तजू होगी। मुकर्रर अर्ज है, पसे मुर्दन जमाना ढूंढता है मरने वालों को, हमारे बाद दुनिया को हमारी जस्तजू होगी। एक और शेर पेश है। शायर कहता है, काम करने से काम होता है, जिक्र करने से कुछ नहीं होता। काम करने से काम होता है, जिक्र करने से कुछ नहीं होता, जो भी होता है होके रहता है, फिक्र करने से कुछ नहीं होता। शुक्रिया। निधि वर्मा ने शेर सुनाए और आप सब ने उन्हें भरपूर दाद दी। दोस्तों, अब मुशायरे में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो मेरा दिल कहता है आप सबको बहुत पसंद आएगा, और इस मोड़ का नाम है रोहन थापड़। रोहन, तशरीफ लाइए, हमें अपने कलाम से नवाजिए, और जब जाइए तो हमारे दिल भी साथ लेते जाइए। अदब। वीसी सर, परवेज साहब, इजाजत। तवज्जो चाहता हूँ। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, लोग बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मुकर्रर अर्ज है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, आप तो सचमुच दिल लेके चल दिए, और वो भी एक नहीं सैकड़ों दिल। दोस्तों, मोहतरम बीसी साहब, परवेज साहब, अब जिस शख्स को मैं दावते कलाम देने जा रही हूँ वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं दावत देने जा रही हूँ हम सब के सीनियर जनाब सिद्धार्थ शुक्ला को। सिद्धार्थ शुक्ला। जनाब बीसी साहब, तवज्जो चाहूँगा कि मजनू ने शहर छोड़ा, तू सहरा भी छोड़ दे। मजनू ने शहर छोड़ा, तू सहरा भी छोड़ दे, और नज़ारों की हवस हो तो लैला भी छोड़ दे। तो नज़ारे की हवस हो तो लैला भी छोड़ दे। एक और शेर अर्ज करना चाहूँगा।
कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दें। आदाबाद। कभी कभी तन्हा भी छोड़ दें कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दें। बहुत मासूम सा शेर अर्ज करना चाहूँगा कि जिंदगी हर बात पर तुमसे समझौता करूँ, जिंदगी हर बात पर तुमसे समझौता करूँ, शौक जीने का है पर इतना तो नहीं, शौक जीने का है पर इतना भी नहीं। जिंदगी हर बात पर तुमसे समझौता करूं, जिंदगी हर बात पर तुमसे समझौता करूं, शौक जीने का है पर इतना भी नहीं। शुक्रिया शुक्रिया।